नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे दर्शकों। आजकल तो एक सनातन धर्म का उपहास उड़ाना लोग चालू कर दिए हैं, ऐसे लोग जो कि ना वो वैदिक हैं, ना वो शास्त्री हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, बस किताबों का ज्ञान लेकर हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने की एक भयंकर साजिश चल रही है। उसके तहत भोले भाले लोगों को बीड़ी जलाते शक्ति प्रकट करवा रहे हैं। यहां पर आप दीपक जलाकर चले हैं, शक्ति प्रकट होंगी, माताजी प्रकट होंगी और बोलेंगी चलो बेटा मैं तुम्हारी नौकर हूं, तुम्हारे साथ चलती हूं। इस तरीके के लुभावने ऐसे ऐसे विज्ञापन टाइप का देते हैं कि आपको साधना करने की जरूरत नहीं, हनुमान जी स्वयं आएंगे, जाके शनिवार को लंगोट यहां टांग दो। आपको दुर्गा की जी की पावर चाहिए, मंगलवार को जाके यहां अगरबत्ती जलाते ही प्रकट हो जाएंगी। तो प्यारे दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके के थंबनेल सिर्फ आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को, आपकी जो अभी तक आपने जप तप पूजा पाठ करके सत्कर्म कमाया होगा, अगर इस तरीके की चीज आपने माता जी के लिए और भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए, यानी किसी अच्छी जो हमारी शक्तियां उनके लिए, भूत प्रेत की बात छोड़ दीजिए, उनके लिए अगर आपने इस तरीके की गलती की तो आप उसके समझ जाइए कि आपको श्राप लगेगा। क्योंकि शक्तियां, जो देव शक्तियां, देवी शक्तियां, वो भाव की भूखी हैं। जब तक आपके अंदर भाव नहीं उत्पन्न होगा, जब तक आपके अंदर एक पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी, एक ललक नहीं उत्पन्न होगी, एक लगन नहीं उत्पन्न होगी, तब तक आप कोई साधना देवी देवता की सफल नहीं हो सकते, ना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चक्रों में मत रहना। ये जो लोग मदारियों के तरीके आके लोगों को बताते हैं कि बीड़ी जला दो, अगरबत्ती जला दो, पानी छिड़कते पैदा हो जाएगी, अरे भाई ऐसा कैसे होता है? आप लोग भी इस तरीके विज्ञापन वाले, इस तरीके लोग वाले जो सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए तो एक बार परीक्षण जरूर करिए। वो चाहे मैं खुद हूं, मैं भी अगर ऐसे कह रहा हूं तो आपको भी आना चाहिए, बोलना चाहिए गुरुजी आप इतना बोल रहे हो कि आपके पास भी कुछ चीज है तो हमको तुरंत इसका बैठ के परीक्षण कराइए। उसके पास होगी अगर ताकत होगी, वो चाहे मैं हूं या कोई हो, तो परीक्षण कराएगा, नहीं है तो आपको बातों से घुमा के आपको टहला देगा और जिंदगी भर ऐसे टहलते रहोगे। प्यारे दर्शकों, मेरा चैनल उद्देश्य नहीं किसी को आहत करना, बल्कि ये चीज है, अगर आपके कोई दर्शक है, आपका सब्सक्राइबर है, तो इसे भ्रमित ना करें, उसके साथ किसी प्रकार का, उनकी भावनाओं के साथ आप मत खेलें। बल्कि अगर सनातन धर्म से हैं आप, तो कुछ बढ़िया दीजिए, आप अपनी कुछ पावर को दिखाइए, लोगों को दिखाइए, मैं भी आपके साथ हूं, आपको मैं भी प्रणाम करूंगा, आपकी जय जयकार मैं भी करूंगा, आपका नाम लूंगा सभी लोगों को। क्योंकि ये मैं इसलिए बोला हूं कि कल एक हमारे यहां आए, हम किसी को, हमारे यहां की विशेषता है कि हम लाइव किसी को लेके नहीं करते हैं कि ये देखिए, किसी की प्राइवेसी को मैं बताता नहीं किसी से, जैसे और लोग है ना, दो चार को पकड़ा कि ये देखिए ये वहां के हैं, ये वहां के, अरे क्या जरूरत है बताने की, सफाई देने की, कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हूं। जो जुड़ेगा उसको फायदा होगा, वो खुद जान जाएगा कि आप कितने पानी में हो। प्रचार प्रसार या 10 लौंडों को खड़ा करने के, औरतों को खड़ा करना, या थोड़े से किराए के टट्टू को लाके बताना, या किसी की प्राइवेसी लाके फेस करना, वो बेचारा पता नहीं किस माध्यम से आया है, कैसे आया है, तो इस चीज को ध्यान दें। वीडियो बड़ी इसलिए हो जाती कि मैं समझाता हूं, समझाना मेरा फर्ज है, सनातनी हूं, समझाऊंगा। वीडियो देखना हो देखो, मत देखना हो मत देखो, सब्सक्राइब करना हो करो, नहीं करना तो जाओ टहलो, कोई जरूरत नहीं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये लड्डू का उपाय है, ध्यान रखिएगा। इस पे कपूर जलाना है। कैसे जलाना मैं बताता हूं। अष्टमी तिथि नवरात्रि, किसी भी अष्टमी को सुबह आप हल्दी वाले पानी से नहाएंगे और उस दिन पीला वस्त्र दिन भर पहनेंगे। दोपहर को सिर्फ आप थोड़ा सा फ्रूट्स ग्रहण करेंगे। समय आएगा रात का, ठीक है, समय आएगा रात का,
रात के समय आपको किसी नीम के पेड़ की पहले से तलाश करना, उस नीम को सुबह जाके अच्छे तरीके जल वल डाल देना और उस पर सिंदूर लगा के बोल देना कि मैं शाम को आऊंगा और अपनी कृपा मेरे परिवार के ऊपर देना। प्यारे दर्शकों, ये सप्त देवी की, सात देवी जो ग्राम की होती हैं, ये उनकी साधना है, उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और वो आपके ऊपर सम्मोहित हो जाती, जैसे एक बेटा रिझाता नहीं है उसी तरीके सम्मोहित हो जाती, प्रत्यक्षीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे आप काम तत्काल ले सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखिए। आप पानी छिड़क के सारा कुछ करके आ गए, पीत वर्ण कपड़ा पहनना, कपूर लड्डू माचिस लेना है, गुलाब के या लाल फूल साथ लेना है, लौंग साथ लेना है। अब इस नीम के पेड़ के पास जाना, दक्षिण मुख के लाल आसन पर बैठना, रुद्राक्ष की माला लेना, सबसे पहले जल छिड़कना। जल छिड़कने के बाद आप एक बड़ा कपूर एक जगह रखना, सात कपूर के टुकड़े ऐसे लाइन से लगाना, सात कपूर के टुकड़े पे एक एक लौंग और बड़े वाले कपूर के टुकड़े पे एक लड्डू रहेगा, ठीक है। सात जो कपूर के टुकड़े उनके आगे एक एक लाल फूल रहेगा। फिर हाथ में थोड़ा चावल लेके बोलना, हे सप्त देवी, आपकी कृपा सप्त जन्म तक पाने हेतु मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ये छोटा सा आवाहन कर रहा हूं। इस अष्टमी के पावन पर्व पर आप अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए और जब भी अगर मेरे पास कोई आता है और आपके नाम से मैं कोई बीरा भभूत दे दूं तो वो तत्काल ठीक हो जाए। न्याय अन्याय का फैसला आप खुद देखेंगी। साथ ही आप अपनी कृपा करिए कि सामने बैठे व्यक्ति की पीड़ा को मैं जान सकूं। हे मां, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी मां हैं, मुझ पर इतनी कृपा करें, मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा सदैव धर्म राष्ट्र मानव कल्याण की सोच के लिए सेवा के लिए तैयार है, इस भावना के साथ मैं कर रहा हूं, आप मेरी सहायक बने। इतना करने के बाद आपको एक घी का दीपक भी जलाना है। वहां घी का दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जला दें और मंत्र है, ओम सप्त देवी ही ग्राम वासने सर्व प्रियाय नमो भगवती नमो उस्तते। इस मंत्र की आपको पांच माला करना है। पांच माला करने के बाद सबसे पहले जो सात कपूर की टिक्की रखी उनको जलाना, उसके बाद लड्डू वाला जलाना, फिर थोड़ा जल लेना, ऐसे चारों तरफ छिड़क देना, प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद आप वहां पर 11 या 21 बार दुर्गा जी का नाम लेना, फिर 11 या 21 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करना। परिक्रमा करने के बाद वहां से एक मुट्ठी अगर मिट्टी होगी मिट्टी उठा लेना, अगर पक्की फर्श है तो उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेना, उसको लाल कपड़े में बांध कर अच्छी तरीके से एक छोटे से तांबे के लोटे के अंदर डाल के घर ले आना। प्यारे दर्शकों, जब भी कोई पीड़ा हो, जब भी किसी के कुछ काम करना हो, इसी कलश को अपने पास रखकर इसी मंत्र पढ़ते हुए आप झाड़ा दे देंगे, पानी पे पढ़कर दे देंगे, सर पर हाथ रखकर पढ़ देंगे, यानी आप जैसे जो चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे किसी को बुला भी सकते हैं, किसी को भगा भी सकते हैं, इसके साथ व्यापार खोल सकते हैं, बंधा व्यापार खोल सकते हैं, घर में भूत बाधा तंत्र बाधा जादू टोना इनको भी काट सकते हैं। काटने के लिए हमेशा नींबू लौंग का प्रयोग करें, कपूर का। घर काटना व्यापार पे किया किराया काटना व्यक्ति के ऊपर तो हर जगह से सात बार उतारा जाएगा। घर है तो चौखट, दुकान है तो मुख्य द्वार, व्यक्ति है तो सर पर से सात बार एंटी क्लॉक उतारने के बाद नींबू को काटकर उसके ऊपर लौंग रखकर कपूर से जला देना है, ठीक है। यह करिए, लाभ उठाइए। वीडियो जिनको बड़ी लगी उसके लिए माफी चाहता हूं, चूंकि आप हमारे हैं, आपको अच्छे तरीके समझाना मेरा फर्ज है। बाकी ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की। जी जय श्री राम, हर हर महादेव।